मॉर्निंग इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दी एंटी मलेरियल ड्रग्स इन दैट सिंकोनाबार्क एंड ऑक्सीटोसिक्स इन दैट इरगॉट दिस टू ड्रग्स एंड टू कैटेगरीज वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स ओके अभी इस कोविड के सिचुएशन में हम सब यही सुन रहे हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, विटामिन्स ज़्यादा लो, विटामिन्स से हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जैसे एग्स खाओ, एग्स में विटामिन्स होते हैं, देन विटामिन सी की ज़रूरत बहुत है, तो विटामिन्स विटामिन्स सभी तरफ से हम विटामिन्स ए वर्ड सुन रहे हैं, तो विटामिन्स क्या होते हैं, ठीक है, जिस विटामिन्स क्या होते हैं और इसकी हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरत होती है, तो विटामिन्स क्या है, तो विटामिन्स आर दी सब्सटेंसेस विच आर कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल टू मेंटेन दी नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस बट दे आर नॉट सिंथेसाइज इन अवर बॉडी ओके मीन्स ह्यूमन बॉडी जो है तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते, जैसे हमारी बॉडी में बहुत से सिक्रीशंस होते हैं, बहुत से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, बहुत से सिक्रीशंस होते हैं, लाइक HCL सिक्रेट होता है, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक एसिड सिक्रेट होता है, तो ये जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है तो उसमें विटामिन्स कहीं भी सिक्रेट नहीं होते, ह्यूमन बॉडी में विटामिन सिक्रेट नहीं होते, ठीक है, लेकिन विटामिन्स जो होते हैं वो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, विटामिन्स हमारी बॉडी में सिक्रेट नहीं होते लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो हम विटामिन्स कहाँ से लेते हैं फिर, तो विटामिन्स हम आउटसाइड बॉडी से लेते हैं, सॉरी बॉडी के आउटसाइड से लेते हैं, मीन्स जो भी एनवायरनमेंट होता है उसमें से हम विटामिन्स लेते हैं, लाइक हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं, या फिर हम जो भी खाना खाते हैं उसमें विटामिन्स होते हैं, जैसे हम ईस्ट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, या फिर मिल्क लेते हैं, एग्स खाते हैं, तो या फिर फ्रूट्स कोई भी फ्रूट ले लो तो इसमें विटामिन्स होते हैं और इसी से ये हम हमारी बॉडी में डालते हैं, हमारी बॉडी में वही सोर्स से सप्लाई करते हैं हम बॉडी के लिए अदर सोर्स से, ठीक है, तो बॉडी का बैलेंस डाइट अगर है, मीन्स अगर हम हर दिन बैलेंस डाइट लेते हैं, जो भी होगा सब्जी रोटी जो भी हम खाते हैं उसमें अगर हम फ्रूट्स लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, जितना बॉडी को ज़रूरत है उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग अगर हम डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन्स अच्छे रहते हैं और हमारी जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो भी अच्छे रहते हैं, ठीक है, अगर हम एडिक्वेट इनटेक करते हैं विटामिन्स का तो, लेकिन हमारे जो टिश्यूज है उनकी अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उनको ज़्यादा विटामिन्स चाहिए, या फिर कोई डिस्टर्बेंसेस आ गए हैं, या फिर विटामिन्स जो है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो गया है, इसलिए हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, फिर हमारी बॉडी में जो विटामिन्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है या फिर डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है, अगर डिफिशियंसी हुई है तो हमें और विटामिन्स लेने की ज़रूरत है, और अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स ज़्यादा हो गए हैं तो वो भी एक्सेसिव विटामिन्स जो होते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, मीन्स विटामिन्स ज़्यादा भी हमारी बॉडी में नहीं होने चाहिए, अगर विटामिन डी देखें तो विटामिन डी अगर एक्सेस हो जाता है बॉडी में तो वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है, अदर जो विटामिन्स होते हैं विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी टॉक्सिक होते हैं लेकिन ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, लेकिन विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिक होता है, ठीक है, देन विटामिन्स जो होते हैं नॉर्मली एसोसिएटेड टू फॉर्म दी एनर्जी ओके एनर्जी से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है, जितने विटामिन्स हमारी बॉडी में ज़्यादा है उतनी हमारी एनर्जी ज़्यादा रहती है, ठीक है, देन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस जो होती हैं, सेवरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस जो होती है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमें क्या लगते हैं, तो विटामिन्स लगते हैं, देन प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, देन इन्फॉन्ट्स या फिर चिल्ड्रंस, इसमें विटामिन्स ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू दी एडल्ट ओके देन डेली अलाउंस जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो फूड्स होते हैं वो हमने विटामिन रिच फूड हमने खाना चाहिए, देन फंक्शंस एंड स्मॉल क्वान्टिटीज सॉरी जो भी फंक्शंस होते हैं विटामिन्स के वो स्मॉल क्वान्टिटी में बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है ओके
देन केमिकली अगर हम विटामिन्स देखें तो लार्जली डिफर फ्रॉम ईच अदर आर ग्रुप एज अ वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल. विटामिन्स जो होते हैं वो दो ग्रुप में हम कन्वर्ट करते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. ओके, देन दी वॉटर सोल्यूबल विटामिन्स आर इजिली एब्जॉर्ब, हाईली एक्सक्रेटेड थ्रू द यूरिन एंड नॉट स्टोर इन बॉडी एक्सेप्ट विटामिन 12. ओके, जो भी वॉटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब होते हैं, हाईली एक्सक्रेटेड थ्रू द यूरिन, और यूरिन से वो हमारी बॉडी से एक्सक्रेट हो जाते हैं. ठीक है, और बॉडी में जो भी स्टोर रहते हैं उसमें विटामिन जो है बॉडी में स्टोर नहीं रहते, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बॉडी से निकल जाते हैं. ठीक है, एक्सेप्ट विटामिन B12, B12 विटामिन जो है वो हमारी बॉडी में सैचुरेट रहता है. ठीक है, स्टोर रहता है. ऑन दी अदर हैंड, फैट सोल्यूबल विटामिन नीड बाइल साल्ट एंड फैट फॉर देयर एब्जॉर्प्शन, नॉर्मली नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, आर जनरली स्टोर इन लिवर. ओके, लेकिन फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं तो फैट सोल्यूबल विटामिन बाइल साल्ट में या फिर फैट्स जो होते हैं बॉडी के उसमें सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, देन ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते थ्रू दी यूरिन, वो हमारी बॉडी में ही स्टोर रहते हैं. ठीक है, देन कॉड लिवर ऑयल, हैलीबट लिवर ऑयल, दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए एंड डी. शार्क लिवर ऑयल एंड कैरट इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीन आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए. आमला कंटेन्स विटामिन सी एंड ईस्ट कंटेन्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके, दीज आर दी सोर्सेस ऑफ विटामिन. नाउ फर्स्ट इज शार्क लिवर ऑयल. शार्क लिवर ऑयल जो है उसे ओलियम सेलाचॉइड भी बोलते हैं, सिनोनिम है उसके लिए. बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो शार्क लिवर ऑयल इज फिक्स ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्रेश एंड केयरफुली प्रिजर्व लिवर ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ शार्क, मेनली हाइपोप्रियोन ब्रिवोरोस्ट्रिस. हाइपोप्रियोन ब्रिवोरोस्ट्रिस ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज को जो शार्क होते हैं, शार्क मीन्स फिश है. ठीक है, शार्क फिश जो है उसका जो लिवर होता है अच्छी तरह से उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और उसमें से जो ऑयल निकलता है वो फिक्स ऑयल निकलता है वो होता है शार्क लिवर ऑयल. ओके, अदर स्पेसिस भी है शार्क लिवर ऑयल के, सॉरी शार्क फिश के, उससे भी हम क्या निकालते हैं, तो हम शार्क लिवर ऑयल निकालते हैं. अकॉर्डिंग टू IP 1 gram ऑफ ऑयल शुड नॉट कंटेन लेस देन 600 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी. ओके, 1 gram अगर हम ऑयल लेते हैं, शार्क लिवर ऑयल लेते हैं, तो उसमें अबाउट 6000 इंटरनेशनल यूनिट IU विटामिन ए एक्टिविटी होती है. बहुत ज़्यादा विटामिन ए की एक्टिविटी शार्क लिवर ऑयल में होती है. जियोग्राफिकल सोर्सेस क्या क्या है, मीन्स कहाँ से हमें शार्क मिल सकते हैं, शार्क फिश मिल सकते हैं. अगर हम इंडिया में देखें तो इन इंडिया दी शार्क आर प्रपोज्ड एंड ऑयल इज ऑब्टेन ऑफ कमर्शियल स्केल इन तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरला में. ठीक है, देन यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पे भी शार्क लिवर ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल पर. ठीक है, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, हम ऑयल कैसे प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो विथ लिटिल वेरिएशन, जो अलग अलग एरियाज है वहाँ पे अलग अलग मेथड यूज की जा सकती है, लेकिन प्रिंसिपल जो होता है वो एक ही होता है. प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल फ्रॉम द लिवर इज यूनिफॉर्म इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस में प्रिंसिपल एक ही इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन मेथड जो है वो वेरी हो सकती है. गवर्नमेंट फैक्ट्रीज इन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र प्रोसेस लिवर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल. ओके, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज जो है तमिलनाडु और महाराष्ट्र की, वहाँ पे लीवर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें से ऑयल निकाला जाता है. लीवर आर क्लीन, लीवर को पहले क्लीन किया जाता है, देन उसका जो मास होता है उसे बॉइलिंग पॉट में बॉइल किया जाता है 80 degrees Celsius टेम्परेचर मेंटेन करके. ठीक है, देन ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय ट्रीटिंग विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट टू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ वाटर. ओके,
उसमें से जो भी वाटर के स्ट्रेसेस है वो निकाले जाते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, द ऑयल इज देन टेक टू अ वैक्यूम स्टील फॉर डिहाइड्रेशन एंड चिल्ड टू सेपरेट स्टेरिंग। ओके, बाद में जो ऑयल होता है उसको वैक्यूम टेकन टू अ वैक्यूम, उसको वैक्यूम दिया जाता है और डिहाइड्रेट किया जाता है। ठीक है, देन उसको कूल किया जाता है, चिल किया जाता है। देन सेंट्रीफ्यूज आर यूज टू सेपरेट दी सस्पेंडेड मटेरियल इन ऑयल। ऑयल में जो सस्पेंडेड मटेरियल है उसे रिमूव करने के लिए सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है, जिससे ऑयल और जो मटेरियल उसमें प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाए। दी ऑयल दी क्लियर ऑयल इज मैनिपुलेटेड टू एडजस्ट दी डिजायर्ड स्ट्रेंथ। जो क्लियर ऑयल है उसको मैनिपुलेट किया जाता है डिजायर स्ट्रेंथ ऑब्टेन करने के लिए। दी ऑयल बीइंग सेंसिटिव टू द लाइट, जो ऑयल होता है शायद क्लियर ऑयल, वो लाइट सेंसिटिव होता है, ईयर सेंसिटिव होता है, एंड केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज इट्स एक्सपोजर टू सनलाइट एंड ईयर। इसलिए हम उसको सनलाइट और ईयर के एक्सपोजर में नहीं रखते। ओके, मेनी टाइम्स लीवर्स आर स्टोर एट वेरी लो टेम्परेचर अंटिल दे आर टेकन फॉर प्रोसेसिंग। अगर बहुत ज़्यादा लीवर्स कलेक्ट करके रखे हैं तो उसको लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है और फिर बाद में उस पर प्रोसेस की जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या क्या है या फिर मॉर्फोलॉजी क्या है उस ड्रग की, उस ऑयल की। कलर पेल येलो कलर का ऑयल होता है या फिर ब्राउनिश येलो कलर का ऑयल होता है। ऑर्डर जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड फिशी होती है, फिश का जैसा स्मेल होता है वैसे स्मेल इस ऑयल को आता है, बट नॉट रैंसिड। लेकिन ये ऑयल जो होता है वो रैंसिड नहीं होता, ठीक है, खराब नहीं होता। टेस्ट ब्लेंडी ब्लेंड एंड फिशी। ओके, फिश की जैसे टेस्ट होती है वैसे टेस्ट इस ऑयल की आती है। सोल्युबिलिटी क्या है, तो शार्क लिवर ऑयल इज सोल्युबल इन सॉल्वेंट ईथर। शार्क लिवर ऑयल जो है वो सॉल्वेंट ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड लाइट पेट्रोलियम में सोल्युबल होता है। हाउएवर इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। ऑयल है ऑब्वियसली वाटर में सोल्युबल नहीं होगा। स्लाइटली सोल्युबल इन इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल में स्लाइटली सोल्युबल है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड्स, इस ऑयल के लिए स्टैंडर्ड्स क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम देखें तो 0.9 ऑयल है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो 0.912 टू 0.916। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो 1.459 टू 1.477। ओके, एट 40 डिग्री सेल्सियस। एसिड वैल्यू क्या है, नॉट मोर देन 2 एंड आयोडीन वैल्यू इज नॉट लेस देन 90। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, शार्क लिवर ऑयल में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। ओके, शार्क लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा तो विटामिन ए प्रेजेंट है। ठीक है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन द ऑयल वेरीज फ्रॉम 15,000 टू 30,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए एक्टिविटी पर ग्राम। ओके, शार्क लिवर ऑयल में क्या है, तो शार्क लिवर ऑयल में जो विटामिन ए प्रेजेंट है वो इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि 1 ग्राम अगर हम ऑयल लेते हैं तो उसमें से हमें 15,000 से लेकर 30,000 इंटरनेशनल यूनिट तक एक्टिविटी मिल सकती है। ठीक है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो उसमें ऑयल है, सॉरी ग्लिसराइड्स है, देन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स उसमें प्रेजेंट है। देन आइडेंटिफिकेशन, विटामिन ए का अगर हमें स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ पे विटामिन ए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन से टेस्ट यूज करेंगे शार्क लिवर ऑयल के लिए, तो फर्स्ट है डिजोल्व 1 ग्राम ऑफ शार्क लिवर ऑयल इन 1 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, 1 ग्राम हम शार्क लिवर ऑयल लेंगे और उसको 1 ग्राम क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करेंगे। ओके, देन ट्रीट विथ 0.5 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन हम उसको 0.5 ml सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। इट एक्वायर्स लाइट वॉलेट कलर, जिसको लाइट वॉलेट कलर आता है, चेंजिंग टू पर्पल एंड फाइनली ब्राउन। पहले उसको लाइट वॉलेट कलर आता है, वो बाद में पर्पल में कन्वर्ट होता है और फाइनली ब्राउन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू विटामिन ए। ओके, देन नेक्स्ट टेस्ट इज डिजोल्व 1 ml ऑफ द शार्क लिवर ऑयल इन 10 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, 1 ml हम ऑयल लेंगे, 10 ml क्लोरोफॉर्म में उसको डिजोल्व करेंगे। देन ट्रीट विथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी
ट्राइक्लोराइड इन क्लोरोफॉर्म, ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का इन क्लोरोफॉर्म, उसके साथ उसको ट्रीट करेंगे, वेल शेक करेंगे, ब्लू कलर अगर डेवलप होता है तो वो विटामिन ए उसमें प्रेजेंट है, मीन्स वो शार्क लिवर ऑयल है, ओके। देन यूजेस, इट इज यूज इन द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो उसमें हम शार्क लिवर ऑयल ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी जेरोप्थैल्मिक फैक्टर, ओके, इसमें एंटी जेरोप्थैल्मिक फैक्टर है। However, it should noted that shark liver oil is free from vitamin D. इसमें vitamin D present नहीं होता. Then, due to the absence of vitamin D, shark liver oil is not a vitamin substituted for cod liver oil. It is also nutritive. इसमें nutritive value होती है. Pharmaceutically, ये बहुत से products में use किया जाता है. It is used in the preparation of the dilute shark liver oil. Dilute shark liver oil अगर prepare करना है तो इसके लिए भी ये use किया जाता है. Shark liver oil is a emulsion. Shark liver oil with vitamin D emulsion. Then sunburn ointments जो होती है उसमें भी shark liver oil use किया जाता है. Now storage condition क्या है? तो हमें पता है कि air और light के presence में ये खराब हो सकता है, तो इसको हम light और ईयर से प्रोटेक्ट करेंगे, एक वेल क्लोज कंटेनर में हम उसको रखेंगे और प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्रग है आंवला, आंवला हम सबने देखा हुआ है, उसको इमली का भी बोलते हैं, इंडियन गॉस बेरी भी बोलते हैं, या फिर इमली माइरोबैलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आंवला ड्रग है ये हमें इम्लिका ऑफिशिनलिस ये जो प्लांट है बिलोंगिंग टू फैमिली इफोरबियासी, इससे हमें आंवला मिलते हैं, फ्रेश भी हम आंवला यूज करते हैं या फिर हम उसको ड्राई करके भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आंवला सबने देखा हुआ है, आंवला विटामिन सी का रिच सोर्स है आंवला। तो आंवला हमने प्रैक्टिकल में पढ़ा है, तो हम यहाँ पे आंवला का ये नहीं देखेंगे, हमने ये ड्रग पढ़ा हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एंजाइम्स, ओके। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स आर दी प्रोटीन सब्सटेंसेस। एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन सब्सटेंसेस है, विच सर्व अ रोल ऑफ कैटलाइजिंग दी बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ओके। एंजाइम्स क्या करते हैं? तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है उनको कैटलाइज करने का काम करते हैं। एंजाइम्स का वर्क क्या है? टू कैटलाइज दी बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ओके। ऑल्दो दे आर इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग सेल, दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली। एंजाइम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, वो लिविंग सेल्स जो है इसके लिए एंजाइम्स बहुत ही इसेंशियल होते हैं, ओके। कोलाइडल नेचर के होते हैं, हीट लेबल होते हैं। देन हाईली स्पेसिफिक एक्शंस वो प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं, पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके लिए वो एक्टिवेटर करके यूज होते हैं। देन उसको अगर हमें दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, कौन से टाइप के रिएक्शन है उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, उसको कैटलाइज बोलते हैं, ओके। दे कैटलाइज मीन्स कौन से रिएक्शन वो कैटलाइज करते हैं, कौन से रिएक्शन का स्पीड वो बढ़ाते हैं, कौन से रिएक्शन को वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं, उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, ओके। देन नॉर्मली अगर हम देखें तो नेम बाय एडिंग द सफिक्स एज टू अ स्पेसिफिक सब्सटेंस अपॉन विच दे एक्ट, ओके। जिस सब्सटेंस पर वो एक्ट होते हैं उसके अगर हम उसके सफिक्स में अगर हम एस लगाते हैं तो उस रिएक्शन का नाम बन जाता है और उसका क्लासिफिकेशन बन जाता है। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज, लाइक अगर वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वर्क करते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन जो होते हैं उसको कैटालाइज करते हैं तो हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ओके। ट्रांसफरेज रिएक्शन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिएक्शन है, ट्रांसफर केमिकल ग्रुप्स वन मोलिकुल टू द अनदर मोलिकुल, तो इसको अगर कैटलाइज करते हैं, इस रिएक्शन को का रेट अगर बढ़ाते हैं हम, तो उसको ट्रांसफरेज एंजाइम्स बोलते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके,
अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है उसका स्पीड बढ़ाते हैं, उसमें अगर उसको अगर कैटालाइज करते हैं तो हम उसको ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स बोलते हैं। लाइसिस, अगर लाइसिस रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो हम उसको बोलते हैं लाइसिस। देन आइसोमरेज, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट जो है उसमें अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो उसको बोलते हैं आइसोमरेज एंजाइम्स। सिंथेटिस एंजाइम्स, अगर ये टू मोलेकुल्स को कपल करके कोई पायरोफॉस्फेट बॉन्ड या फिर एटीपी और सिमिलर ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, क्लीवेज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिंथेटिस रिएक्शंस या फिर सिंथेटिस एंजाइम्स। ओके, कितने टाइप के हैं एंजाइम्स के? हाइड्रोलिज एंजाइम्स, ट्रांसफरेज एंजाइम्स, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, लाइसिस एंजाइम्स, आइसोमरेज एंजाइम्स एंड सिंथेटिक एंजाइम्स। ओके, मेनी ऑफ द एंजाइम्स ऑल्सो पासेस नॉन प्रोटीन केमिकल ग्रुप। बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें नॉन प्रोटीन केमिकल ग्रुप है। ओके, एंजाइम्स मोइटी कंपेयर ऑफ अ प्रोटीन कंपोनेंट एपो एंजाइम्स। अगर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एपो एंजाइम्स। पोस्ट सिंथेटिक ग्रुप रिप्रेजेंट नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स। पोस्ट सिंथेटिक जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसमें या फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स है जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। दी लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ को फैक्टर और को एंजाइम्स। जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते उसे बोलते हैं को एंजाइम या फिर को फैक्टर, और जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं एपो एंजाइम्स। सर्टेन मेटल्स एंड विटामिन्स ऑल्सो एक्ट एज अ को एंजाइम्स। कुछ मेटल्स हैं जो को एंजाइम करके एक्ट होते हैं, या फिर कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो एज अ को एंजाइम एक्ट होते हैं, जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन वो रिएक्शंस जो होते हैं उनको कैटालाइज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डायस्टेज। फर्स्ट ड्रग इज डायस्टेज। सिनोनिम्स अमाइलोज, सलाइवरी डायस्टेज एंड माल्ट डायस्टेज। ओके, अमाइलोज, सलाइवरी डायस्टेज एंड माल्ट डायस्टेज। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसके लिए? इट इज वन ऑफ द अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। ये क्या है? अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स है वो जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी डिसीजेस और थैलिन एंड पैंक्रियाटिक डिसीजेस और अमाइलोक्सिन फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द एनिमल, ऑल्सो नोन एज अ एनिमल डायस्टेज। ओके, ये जो डायस्टेज होता है इसके लिए सोर्स क्या है बायोलॉजिकल सोर्स? तो ये सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। पैंक्रियाटिक डिसीजेज जो होती है या फिर अमाइलोक्सिन जो होते हैं, इस जो डाइजेस्टिव ट्रैक है एनिमल्स का वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको एनिमल डायस्टेज भी बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ बार्ली ग्रेन्स एंड ऑल्सो नोन एज अ माल्ट डायस्टेज। ओके, बार्ली ग्रेन्स जो होते हैं उसके उसका जब फॉर्मेशन बार्ले ग्रेन्स जो होता है उसका जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें से भी हमें डायस्टेज मिलता है जिसे माल्ट डायस्टेज बोलते हैं। ओके, सेवरल अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस आर नोन। मेनी ऑफ देम आर ऑल्सो यूज इन थेरापेटिक जाइमेज, माल्टेज, सुक्रेज, सेलुलेज, इन्वर्टेज, हाइलोरोनाइट्स, लाइसोजाइम आर अमंगेस्ट द इम्पॉर्टेंट अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, कौन से अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स हैं जिसको थेरापेटिक यूजर्स है? तो जाइमेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, देन सेलुलेज है, इन्वर्टेज है, हाइलोरोनिक रोनाइट है, देन लाइसोजाइम। दीज आर द अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, देन डिस्क्रिप्शन क्या है? इट इज अ येलोइश वाइट डायस्टेज। कैसे दिखता है? येलोइश व्हाइट कलर का होता है, एमोर्फस पाउडर होती है, और माल्ट का जो इन्फ्यूजन हम करते हैं उसमें से हमें ये मिलता है। डायस्टेज फेंट, डायस्टेज को फेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। सोल्युबिलिटी अगर हम देखें तो सोल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्युबल है लेकिन कोलोइडल सोल्यूशन प्रिपेयर करता है। इट इज प्रेसिपिटेटेड इन अल्कोहल, अल्कोहल में अगर हम डालते हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेज, डायस्टेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो
लाइक अदर एंजाइम्स जैसे होते हैं वैसे ये भी थर्मोलेबाइन है, सेंसिटिव टू द टेम्परेचर। 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो वो खराब हो जाता है या फिर उसके लिए सेंसिटिव है। डायस्टेस एक्टिव बिटवीन 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। डायस्टेस जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव कब होता है, तो 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है तब वो ज़्यादा एक्टिव होता है। देन इट इज़ एक्टिव इन सोल्यूशन हैविंग पीएच रेंज 6 to 7 पीएच रेंज जो होती है उसमें ये इस पीएच में 6 to 7 पीएच में ये ज़्यादा एक्टिव होता है। एसिडिटी एसिडिक रेंज ऑफ पीएच 2-4 कॉजेस इट्स डीएक्टिवेशन। अगर एसिडिक रेंज है मीन्स पीएच 4 से कम अगर पीएच है या फिर पीएच 4 है, एसिडिक पीएच अगर है तो उसमें वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, डायस्टेस कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होती है उसको वो कैटालाइज करता है। देन 1-4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज, 1-4 ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो है पॉलीसेकेराइड सच एज स्टार्च ग्लाइकोजेन, ओके, तो इसमें भी ये कैटालिसिस का काम करता है। डायस्टेस कैन कन्वर्ट द 50 टाइम्स इट्स वेट पोटैटो स्टार्च इनटू शुगर्स, ओके। डायस्टेस क्या करता है, तो 50 टाइम्स इट्स वेट मीन्स उसका जितना वेट है उसके 50 टाइम्स जो पोटैटो स्टार्च होती है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, ओके। देन यूजेस, और क्या क्या यूजेस है इसके, तो डायस्टेस वेरिस सोर्स इन इज यूज इन डाइजेस्टेंट, ओके। डायस्टेस जो है वो एज अ डाइजेस्टेंट यूज होता है। इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फ्रूट फूड एंड ऑल्सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ द स्टार्च टू फर्मेंटेबल शुगर्स, ओके। जो स्टार्च होते हैं फर्मेंटेबल शुगर्स जो होते हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए ये यूजफुल होता है। देन फर्मेंटेशन एंड ब्रूविंग इंडस्ट्रीज जो होती है उसमें भी डायस्टेस यूज किया जाता है। दीज आर द यूजेस ऑफ डायस्टेस एंजाइम, ओके। देन नेक्स्ट डाइजेस्टेंट है, प्री डाइजेस्टेड स्टार्च फूड्स जो होते हैं, स्टार्ची फूड्स जो होते हैं उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, फर्मेंटेड शुगर में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल है। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री जो होती है उसमें डायस्टेज यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ईस्ट, नेक्स्ट ड्रग इज ईस्ट। ईस्ट इज अ कलेक्टिव टर्म फॉर फंगी। ईस्ट क्या है, तो फंगा है। विच अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ ग्रोथ कंटेन्स अ वेजिटेटिव बॉडी ऑफ अ सिंपल इंडिविजुअल सेल। ईस्ट क्या है, तो एक फंगा है जो सिंपल वेजिटेटिव सेल्स बॉडी के फॉर्म करती है, ओके। नॉर्मल कंडीशन में उसकी ग्रोथ होती है और वेजिटेटिव बॉडी ऑफ सिंपल इंडिविजुअल सेल्स, ओके, इंडिविजुअल सेल्स होती है वेजिटेटिव बॉडी के ऊपर। देन इट इज अ यूनिसेल्युलर फंगी रेयरली फॉर्मिंग दी माइसेलिया कंटेन स्मॉल बट डेफिनाइट न्यूक्लिया एंड रिप्रोड्यूसिंग बाय बडिंग एंड एस्कोपोर फॉर्मेशन और अदरवाइज। अबाउट 350 स्पेसिस आर नोन अप टिल नाउ। फंगाई के कितने स्पेसिस अब तक मिले हैं, 350 स्पेसिस। ईस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस टू विच दे आर पुट और बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ईस्ट जो होते हैं उसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे, तो उसके फंक्शन के बेसिस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है और यूजेस जो होते हैं उसके बेसिस पर हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वाइन ईस्ट, वाइन प्रिपेयर करने के लिए जो ईस्ट यूज होते हैं उसे वाइन ईस्ट बोलते हैं। बेकर ईस्ट जो बेकरी में यूज होते हैं उसे बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स में यूज होते हैं उसे ब्रीवर्स ईस्ट। डिस्टिलर्स ईस्ट जो डिस्टिलेशन में यूज होते हैं उसको डिस्टिलर्स ईस्ट, ओके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसमें ब्रेवर्स ईस्ट और ब्रेकर ईस्ट आर यूज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ब्रेवर्स एंड ब्रेकर ईस्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं। देन ईस्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज पर देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर भी वो क्लासिफाइड किए जाते हैं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ द एस्कोफोर्स, फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रू और सुडो माइसेलियम एंड रिप्रोडक्शन बाय बडिंग द फ्यूशन। ईस्ट फॉर्मिंग एस्कोफोर्स इज नोन एज अ एकोमाइसेट्स, माइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, ओके। जो ईस्ट एस्कोफोर्स फॉर्म करती है उसको एस्को माइसेट्स बोलते हैं। वन विच डज नॉट फॉर्म द एस्कोफोर्स आर कॉल्ड एज अ फंगी इम्परफेक्टी, ओके। जो एस्कोफोर्स फॉर्म करते हैं उसको
एस्कोमाइसेट बोलते हैं, और जो एस्कोफोर्स फॉर्म नहीं करते उसको फंगी इम्परफेक्टी बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टी। ओके, यीस्ट क्या है? तो कलेक्टिव टर्म है फंगाई के लिए, फंगाई के जो भी स्पेसिस होते हैं उसको सबको यीस्ट बोलते हैं। देन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? तो इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रैचरोमाइसेस सेरेविसिया, स्ट्रेचरोमाइसेस सेरेविसिया नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फैमिली स्ट्रेचरोमाइसिया माइसेटेसी, स्ट्रेचरोमाइसेटेसी। सेचरोमाइसेटेसी फैमिली का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सैकेरोमाइसेस सेरेविस, इसके जो यूनिसेलुलर फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बोलते हैं ईस्ट। दी न्यूट्रल हैबिटेट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ फूड जूस, जो फूड जूस होता है वहाँ पे इसको इसकी ग्रोथ होती है, ब्रेड जो होते हैं या फिर सेवरल फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फर्मेंटेटिंग मीडिया जो होते हैं उसमें इसकी ग्रोथ होती है। लार्ज स्केल अगर हम देखें तो ईस्ट इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग दिस साइट्रस मेलेसेस मेलेसेस वर्ट ग्रेन्स वर्ट एक्सेट्रा। ओके, जो भी साइट्रस होते हैं या फिर मोलेसेस होते हैं, मोलेसेस वर्ट होते हैं या फिर ग्रेन वर्ट्स होते हैं, इससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। देन डिस्क्रिप्शन क्या है इसका? तो कलर जो है वो व्हाइटिश कलर की पाउडर होती है, ईस्ट की क्या होती है? व्हाइट कलर की पाउडर होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेजरिंग लेस देन 1.5 माइक्रोन, 1.5 माइक्रोन से कम साइज इनकी होती है, ठीक है। और इसके जो सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, तो सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सेल में स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एनर्जी सेल्स होते हैं। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्ट, ईस्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? ओके, वेरियस सब्सटेंसेस आर यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द ईस्ट एज मेंशन अबो। ओके, हमें पता है कि बहुत से ऐसे सोर्सेस है जिससे ईस्ट बनाया जाता है, बट कॉमन जो इंडस्ट्रीज होती है इंडस्ट्रियली, तो बीट एंड केन मोलेसेस, बीट एंड केन मोलेसेस आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ईस्ट। अ सुटेबल स्ट्रेन लाइक सेरेवियासी, एस सेरेवियासी आर ग्रोन, इट इज ट्रांसफर्ड टू स्टरिलाइज्ड सबस्ट्रेट। ओके, पहले तो ये जो स्पेसिस है सेरेवियासी, एस सेरेवियासी, ये जो स्पेसिस है, क्या बोला था हमने उसको, सैकेरोमाइसेस सेरेवियासी, सैकेरोमाइसेस सेरेवियासी, ये जो स्पेसिस है इस स्पेसिस को ग्रो किया जाता है, फिर बाद में उसको स्टरिलाइज्ड सबस्ट्रेट में ट्रांसफर किया जाता है। देन द इक्विपमेंट इज स्टरिलाइज्ड टू गेट रीड एंड ऑफ द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन उसमें बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड किए जाते हैं। देन न्यूट्रिएंट मीडिया ऑन व्हिच ईस्ट आर ग्रोन कंटिन्यूअसली एडेड टू द कल्चर मीडिया। ओके, देन न्यूट्रिएंट मीडिया पे इसको ईस्ट को ग्रो किया जाता है, देन कंटिन्यूअसली कल्चर मीडिया जो होता है उसमें ऐड किया जाता है। इट इज कंफर्म दैट द शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रल मीडिया, न्यूट्रिएंट मीडिया इज नॉट मोर देन 1%, जो न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें शुगर कंटेंट 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें कन्फर्म करना पड़ता है। देन pH जो होता है वो 4 to 4.5 होना चाहिए, टेम्परेचर 25 to 30 degree होना चाहिए न्यूट्रिएंट मीडिया का। देन नाइट्रोजेनियस न्यूट्रिएंट लाइक अमोनियम सल्फेट शुगर फॉस्फेट आर एडेड टू द न्यूट्रिएंट मीडियम एंड फर्मेंटेशन इज अलाउड टू टेक प्लेस फॉर अबाउट 11 hours। जब हमें इस प्रिपेयर करना है तो उसमें शुगर 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पीएच जो है वो 4 to 4.5 होना चाहिए, टेम्परेचर 25 to 30 degree Celsius मेंटेन होना चाहिए, नाइट्रोजेनियस न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए लाइक अमोनियम सल्फेट या फिर शुगर फॉस्फेट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए न्यूट्रिएंट मीडिया में। देन उसको एटलीस्ट 11 hours के लिए हमें क्या करना है, फर्मेंटेशन के लिए रखना है, टेक प्लेस करना है। देन ईस्ट इज सेपरेटेड इन सेंट्रीफ्यूज, देन बाद में हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे जिससे ईस्ट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बाद में हम उसको वॉश करेंगे स्टरिलाइज कोल्ड वाटर से, देन प्रोसेस फिल्टर्ड एंड फाइनली ड्राइड, बाद में हम उसको
प्रेस करेंगे, प्रेस फिल्टर करेंगे, देन बाद में हम उसको ड्राई करेंगे. मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज मेंटेन एट 75% एंड इट इज फिल्ड इन कंटेनर्स एंड स्टोर एट लो टेम्परेचर. बाद में उसमें 75% वाटर कंटेंट हम रहने देंगे, देन मेंटेन करेंगे, देन हम उसको कंटेनर में, सुटेबल कंटेनर में फिल करेंगे और स्टोर करेंगे लो टेम्परेचर पे. ओके, दिस इज द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ईस्ट. कैसे हम ईस्ट को प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसकी ग्रोथ करेंगे, कैसे न्यूट्रिएंट मीडिया बनाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? 65-85% मॉइस्चर इसमें होता है. ओके, मेंबर ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी जो है वो ज़्यादा होता है. नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, वो ज़्यादा होते हैं. ग्लाइकोजन, फैट्स एंड विटामिन इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. विटामिन आर रिपोर्टेड थायमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, बायोटिन. दीज आर दी रिचेस्ट विटामिन विच आर प्रेजेंट इन द ईस्ट. देन द एंजाइम्स इन्वर्टेज, कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम एंड माल्टेज. दीज आर दी एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द ईस्ट. मीन्स ईस्ट जो है वो विटामिन और एंजाइम्स का रिचेस्ट सोर्स है. ओके, देन यूजेस क्या क्या है ईस्ट के? ईस्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल, बियर एंड वेरियस ऑइल्स, वाइन्स जो होते हैं, अल्कोहल, बियर एंड वेरियस वाइन्स जो होते हैं उसके प्रिपरेशन में ईस्ट यूज किया जाता है. देन ब्रेड इंडस्ट्रीज जो होती है, बेकरीज जो होती है या फिर ब्रेड इंडस्ट्रीज जो होती है, ओके, ब्रेड इंडस्ट्रीज या फिर बेकरीज में ईस्ट यूज किया जाता है. देन इरेडिएट ईस्ट हैज बीन यूज एज अ सोर्सेस ऑफ विटामिन बी. इरेडिएट जो ईस्ट होता है वो विटामिन बी के लिए यूज किया जाता है. विटामिन बी का बहुत बड़ा सोर्स है. देन ग्लूटाथियोन एंड इन्वर्टेज आर ऑल्सो मैन्युफैक्चर फ्रॉम द ईस्ट. ग्लूटाथियोन एंड इन्वर्टेज एंजाइम्स जो होते हैं वो ईस्ट से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. इट इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ईस्ट इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, नाउ नेक्स्ट ड्रग इज पपैया. ओके, पपया बायोलॉजिकल सोर्स क्या है पपया के लिए? इट इज अ कल्टिवेटेड फ्रूटिंग ट्री ऑल्सो नोन एज अ कैरिका पपया लीन बिलोंगिंग टू फैमिली कैरिसियासी. कैरिसियासी फैमिली का ड्रग है कैरिका. पपया नाम का जो प्लांट है उसका जो उसके जो कल्टिवेटिंग फ्रूट्स होते हैं उसको पपया करके हम यूज करते हैं. पपया एक फ्रूट है, हम सब ने पपया को देखा है, पपया को खाया है. ठीक है, तो हाफ ड्राई फ्रूट्स ऑफ द प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल लैटेक्स ऑब्टेन बाय गिविंग द वर्टिकल इंसिजन्स विच कंस्टिट्यूट द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पपेन ऑफ कमर्शियल इम्पोर्टेंस. ओके, पपया का जो फ्रूट होता है वो पूरी तरह से राइफ होने के बाद में हम उसको खाते भी हैं, और जो जब वो हाफ राइफ होता है तो हम अगर उसके ऊपर इंसिजन्स लगाते हैं, वर्टिकल इंसिजन्स अगर लगाते हैं तो उसमें से जो व्हाइट कलर का लैटेक्स सीक्रेट होता है उसको मेडिसिनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है. जियोग्राफिकल सोर्स क्या क्या है पपया के लिए? पपया पेरिनियल एंड इंडिजिनियस प्लांट है ट्रॉपिकल अमेरिका में. ओके, ट्रॉपिकल अमेरिका में पपया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन श्रीलंका, तंजानिया, हवाई, फोरिडा एंड इंडिया. इंडिया में, फ्लोरिडा में, हवाई में, देन श्रीलंका में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. हमारे इंडिया में भी पपया का प्लांट हम कल्टिवेट करते हैं. नाउ हैबिटेड, पपया प्लांट इज अबाउट 5 meters इन हाइट. 5 meters की इसकी हाइट होती है. बियर फ्रूट्स होते हैं विद इन ईयर. ओके, देन फ्रूट्स आर अबाउट 10-25 centimeters इन लेंथ. 10 centimeters से लेकर 25 मीन्स 25 centimeters के लेंथ के फ्रूट होते हैं. बहुत बड़े बड़े भी पपया के फ्रूट्स आते हैं. देन 5 kg इन वेट. 5 kg तक का वेट होता है. डार्क ग्रीन कलर के होते हैं जब वो अनराइफ होते हैं, और राइफ होने के बाद में उसका जो कलर होता है वो एलोइश टू ऑरेंज हो जाता है. व्हेन प्लांट इज अबाउट 9 months एज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग इट्स लैटेक्स. जब पपया का जो प्लांट है वो 9 months का होता है तब हम उसका लैटेक्स कलेक्ट कर सकते हैं. ओके,
नाउ कल्टिवेशन एंड कलेक्शन, सॉरी कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ द पपेन। पपेन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे प्रिपेयर करेंगे, ओके। वर्टिकल कट्स आर गिवन ऑन द फ्रूट्स विथ द हेल्प ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और ब्रास। ब्रास या फिर स्टेनलेस स्टील का हम नाइफ लेंगे या फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट लेंगे, उससे जो भी पपाया के फ्रूट्स है उसके ऊपर इंसिजंस लगाएंगे। देन उसमें से जो भी उजिंग होगी, मीन्स उसको जो इंजरी हुई है उसमें से जो भी सिक्रीशन होगे, ओके, तो उस सिक्रीशन को हम फ्रूट के ऊपर ही कोएगुलेट होने देंगे। कोएगुलेट होने के बाद में उसको हम सुटेबल कंटेनर में, प्लास्टिक या फिर पॉलिथीन या फिर एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम उसको कलेक्ट करेंगे। देन उसको ड्राई होने देंगे लो टेम्परेचर पर इन वैक्यूम, ओके, लो टेम्परेचर पर ड्राई होने देंगे वैक्यूम में। देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज अ क्रूड पपेन। ये क्या है? क्रूड पपेन है। बाद में हम उस पर क्या प्रोसेसेस करेंगे? बाद में जो पपेन है, उस जो लैटेक्स हमें मिला है उसको हम एल्यूमिनियम ट्रे में कलेक्ट करेंगे। बाद में कलेक्टेड लैटेक्स जो है उसको पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 5 ग्राम पर kg, 5 ग्राम के लिए 1 kg लैटेक्स हम लेंगे, उसमें हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करेंगे। देन एक्सट्रेनियस मैटर इज क्लियर आउट बाय पासिंग थ्रू दिस सीव्स एंड लैटेक्स इज ड्राइड इन वैक्यूम शेल्फ ड्राई, ओके। देन एक्स्ट्रा जो भी मैटर है उसमें से उसे हम निकाल लेंगे सीव करके, ओके, उसको हम सीव कर लेंगे। देन बाद में 55 to 60 degrees Celsius पर हम उसको ड्राई करेंगे फिर से। देन इट कैन ऑल्सो बी प्रोसेस बाय स्प्रे ड्राइंग मेथड। फिर बाद में हम स्प्रे ड्राइंग से भी हम उसको ड्राई कर सकते हैं। जो ड्राइड लैटेक्स होता है उसे बोलते हैं पपेन, ओके। पपेन जो क्रूड पपेन हमें मिला था उसमें हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ऐड करेंगे। 1 kg अगर हमने लैटेक्स लिया है तो उसमें 5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हम ऐड करेंगे। बाद में हम उसको सीव कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा मैटर है वो निकल जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी इम्प्यूरिटीज है वो निकल जाएगी, क्लियर कर लेंगे उसको। बाद में जो लैटेक्स मिला है उसको हम वैक्यूम ड्राई करेंगे 55 to 60 degrees Celsius पर, या फिर स्प्रे ड्राइंग से भी हम उसको ड्राई कर सकते हैं। बाद में जो मिलेगा वो होगा प्योर पपेन, ओके। पपाया का ट्री है ये, पपाया के फ्रूट्स, पपाया का ट्री हम सबने देखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्या है? पपेन इज अवेलेबल एज अ लाइट ब्राउन और व्हाइट कलर्ड एमोर्फस पाउडर टिपिकली ऑर्डर एंड टेस्ट, सॉरी टिपिकल ऑर्डर एंड टेस्ट। पपेन जो होता है उसको टिपिकल ऑर्डर एंड टेस्ट होती है और लाइट ब्राउन या फिर व्हाइट कलर की एमोर्फस पाउडर होती है, ओके। देन इट शो मैक्सिमम प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी अबाउट पीएच 5 to 6.1, स्लाइटली एसिडिक पीएच अगर है तो वो मैक्सिमम प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी शो करता है। देन सोल्युबिलिटी क्या क्या है? तो पार्टली सोल्युबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा सोल्युबलाइज नहीं होता, ग्लिसरीन में सोल्युबल है। इथिल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो है उसमें पपेन प्रेसिपिटेट हो जाता है, पीपीटी फॉर्म करता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द पपेन जो है वो है 5.2, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है 5.2, एंड इट इज द मोस्ट थर्मोस्टेबल एंजाइम नोन। पपेन जो है वो मोस्ट थर्मो स्टेबल एंजाइम है, इसके ऊपर जो भी हीट है उसका ज़्यादा असर नहीं होता, थर्मोस्टेबल है। देन नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है? तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसमें पपाया लैटेक्स होता है, मिक्सचर ऑफ द पपेन, काइमोपपेन इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स अमाइड्स कोमोपपेन काइमोपपेन देन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पपेन। देन केमिकल टेस्ट कौन से हैं? तो 0.5 ग्राम अगर हम पपाया लैटेक्स लेंगे, मीन्स पपेन लिया हमने 0.5 ग्राम, उसमें 10 ml वाटर ऐड किया और उसको शेक किया, ठीक है, पार्टली सोल्यूबल सोल्यूशन हमने बनाया। देन द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो डीकलराइजेशन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो व्हाइट कलर है, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट का जो वॉलेट कलर है वो डिसअपियर होता है। तो ये क्या है? पपाया का लैटेक्स या फिर पपेन है। देन 20 ml ऑफ मिल्क,
20 ml हम मिल्क लेते हैं, उसमें 0.5 ग्राम पपाया लैटेक्स या फिर पपेन ऐड करते हैं, तो कर्ड टेक्स प्लेस, मीन्स उसका दही बन जाता है, दूध का क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। सिंपल टेस्ट है, हम घर पे भी कर सकते हैं। देन यूजेस क्या क्या है, इट इज यूज्ड इन क्लैरिफिकेशन ऑफ ब्रेवरेज, ब्रेवरेज जो होते हैं उसके क्लैरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मीट टेंडराइजर्स के लिए यूज किया जाता है, एम्प्लॉयड इन चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सब्सटीट्यूट रेनिन अगर नहीं है तो पपेन यूज किया जाता है, देन सिल्क फैब्रिक्स जो होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, दहेरिंग एंड स्किन एंड हाइट्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज फॉर दहेरिंग स्किन्स एंड हाइट्स। देन मेडिसिनली इसका क्या यूज है, तो डाइजेस्टेंट, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्टेंट करके यूज किया जाता है, बहुत से मेडिसिन में पपेन एज अ डाइजेस्टेंट यूज किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, देन रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ इप्सोटोमी, इपिसियोटोमी को के जो सिम्टम्स है उससे हमें ये रिलीफ देता है, इपिसियोटोमी के जो सिम्टम्स होते हैं इससे रिलीफ देता है। देन पपेन जो होता है वो रिलीज इक्विवेलेंट 1 माइक्रोग्राम ऑफ टायरोसिन, 1 माइक्रोग्राम टायरोसिन के इक्विवेलेंट ये एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। देन सीजन सबस्ट्रेट भी है, स्टैंडर्ड सीजन सबस्ट्रेट है। देन स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये देखिए हमने इसके यूजेस, नाउ स्टोरेज कंडीशन, ये एयर लाइट और मॉइस्चर जो है और हाई टेम्परेचर पे सेंसिटिव है, एयर लाइट मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर पे सेंसिटिव है, हीट स्टेबल है लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो वो सेंसिटिव है, तो इसको हम और इट अंडरगोज द ऑटो ऑक्सीडेशन, मीन्स अगर एयर के प्रेजेंस में है तो ये खुद से ही ऑक्सीडाइज होने लगता है, वेरी फास्ट ऑक्सीडेशन इसका होता है, इसलिए हम उसको स्टोर करेंगे एयर टाइट कंटेनर में और एयर और लाइट से हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे और कूल प्लेस पर हम इसको रखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।